उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रोग्राम के मेदांता में लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि आज सुबह खबर आई कि मुलायम सिंह यादव अब दुनिया में नहीं रहे। एक लंबी चौड़ी डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के हवाले से जानकारी दी कि उनके पिता और सबके प्रिय नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर पूरा देश स्तब्ध है और सभी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और मुलायम सिंह यादव के निधन से वो इस कदर भावुक हुए हैं कि उन्होंने सीधे उनके बेटे अखिलेश यादव को फोन मिला दिया और बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना और शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं एक और ट्वीट में योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, शोक की इस घड़ी में उनके पुत्र अखिलेश यादव जी से दूरभाषा पर वार्ता कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये 3 ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से बात की और राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बताया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन था और इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां थी जैसे सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता में लगातार भर्ती कराया गया था। लंबे वक्त से उनका इलाज वहां पर चल रहा था। अभी 3 महीने पहले उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था और अब सबके प्यारे नेताजी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूबा है। उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है। इसके अलावा देश के तमाम नेता उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अखिलेश यादव से बात करने के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और 3 दिन का शोक प्रदेश में घोषित किया गया है।